मैं तो दर्शकों ये कहना चाहता हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए सर जो शानदार पहल कर रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ये पहली बार था तो अब हम आशा करते हैं आने वाले अगली साल है हम आयोजित करें तो इससे संख्या दोगुनी होए और भरपूर लाभ ले। आपने कितना लाभ लिया इससे? हमने तो बहुत फायदा हुआ है। एक तो हमने जूडो कराटो के अंदर देखा था हमारे जो आत्मविश्वास है उसमें विकास हुआ है और जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो है वो हर प्रतियोगिता के अंदर भाग ले रहे थे जिसे क्राफ्ट है ड्राइंग है पेंटिंग है उसको देख कर हमारा भी जुनून जागा बचपन जागा है। वेरी गुड, ये अच्छी चीज़ हुई कि सर का बचपन जागा और सर भी कुछ बच्चों की तरह कुछ एक्टिविटी करेंगे इन छुट्टियों में, ये अच्छी बात है। फुल एनर्जी आ जाएगी फिर अगले सेशन के लिए आपके अंदर। जी सर, जी मैम जरूर। वेरी गुड वेरी गुड। एक्स्ट्रा लेफ्ट हैंड का अंगूठा इनके हथेली के इस तरफ लगाओ, हथेली के इस तरफ अंगूठा लगाना, इधर थंब लगाते ना वैसा, हाँ, और ये फिंगर इनके हथेली के अंदर डालो। अब इनके हथेली से पूरी ग्रिप में आ गई आपकी, ज्यादा जोर मत लगाओ। और यहाँ से आप दूसरा हाथ यहाँ इस तरफ लगा लो, यहाँ बाकी आप इस हाथ को धीरे धीरे बस बस इतने। अब इनको पूछो क्या हो रहा है, हल्का सा प्रेशर जैसे देंगे, हल्का सा प्रेशर कैसे मोड़ना है, हल्का सा ये देखो, ये हो रहा है प्रेशर, प्रेशर हो रहा है, यस। तो ये हाथ यहाँ से आप प्रेशर देना, ये प्रेशर दिया यहीं पे हाथ, तो ये पहली वेरिएशन होगी। अब दूसरी वेरिएशन, अब अपना राइट हैंड का अंगूठा इधर लगाएंगे, वही सेम उल्टे पार्ट में यहाँ, हाँ अंगूठा और फिंगर सिन के उसको अंदर डाल देना, हाँ। अब इनका हाथ आपके हाथ में आ गया ग्रिप में, अब धीरे धीरे हाथ को मोड़ोगे ये घूम जाएंगे, ठीक है। पहला प्रेशर यहाँ हो गया, दूसरा प्रेशर आप अपना दूसरा वाला एक कदम आगे बढ़ाओ उसकी तरफ, और दूसरा हाथ इसके एल्बो के जॉइंट के पास रखो। अब जैसे आप नीचे दबाओगे यहाँ से ये नीचे जाएगी, देखो दबाओ, हाँ ये नीचे जाएगी, क्लियर। तो ये आपका दूसरा वेरिएशन हो गया। थर्ड वेरिएशन क्या है, थर्ड वेरिएशन में इन्होंने ऐसे ही पकड़ा है, अब आपको छुड़वा नहीं रहे हो, सामने वाला अपोनेंट जो है थोड़ा ताकतवर है तो छुड़वा नहीं पा रहे हो, तो क्या करना है यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ तक घुटना उठाना है, घुटना लगाओ, ये यहाँ से पकड़ा इसको गर्दन पकड़ा ताकि वो पीछे इधर, ये हाथ से गर्दन पकड़ो ऐसे ऐसे उल्टा, ये वाले हाथ से आप यहाँ कॉलर या गर्दन जो भी पकड़ा, अब ये पीछे नहीं जा पाएगा या पीछे हट नहीं पाएगा, और यहाँ से ड्राइंग ड्राइंग पे, ठीक है। तो वो ऐसे करके छोड़ेगा, छोड़ेगा कि नहीं, इसी क्रम में जब आपने ग्रॉइन पे अटैक कर दिया है तो उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी क्योंकि वो अपने ग्रॉइन को संभालेगा यहाँ। अब आप उसको एल्बो अटैक मार सकते हो, अब आप टू फिंगर अटैक उसको सीधा डायरेक्ट आंख में लगा सकते हो डिफेंस के लिए, अपने डिफेंस के लिए, और पाम अटैक भी मार सकते हो, क्लियर, चॉप भी मार सकते हो, एक चॉप में वो चक्कर आ जाएंगे अपोनेंट को, कर सकते हो। अब ये अप्लाई करो आप, अब यहाँ से हाथ को दूसरा हाथ उसके पास से पकड़ लो और प्रेस दोगे, ये आ गया पहला वेरिएशन, ठीक है, दर्द हो रहा है उनको। दूसरा वेरिएशन में ये वाला हाथ दाया हाथ उठाओ, हाथ वही गला पकड़ो, ये हाथ यहाँ से अंगूठा लगाया और फिंगर्स को किया और अपोजिट डायरेक्शन में घुमाया, अब एक पैर आगे बढ़ाओ ये एल्बो के पास, यहाँ सीधा होना चाहिए, ऊपर करो इस हाथ को, एल्बो यहाँ लगाओ, ये हाथ एल्बो के जॉइंट पे और इसको नीचे प्रेस करो, ठीक है, समझ में आया। यहाँ से जितना दौड़ दोगे हाथ टूटेगा, दौड़ नहीं देना जितना, ये समझना, आर यू ओके, सब ठीक हो, चोट तो नहीं लगी बेटा, आप शर्माने वाला एक्सप्रेशन नहीं रखना, यस सर नो सर यस सर, समझ में आया, बोलना है, शर्माना नहीं है। अब वो दिन गए जब जब लड़कियाँ शर्माती थी, अब लड़कियाँ सबला है, अबला नहीं है। अब इसके दोनों हाथ अपोनेंट के बिजी हैं, ठीक है, आपके हाथ पकड़ना, आपके हाथ फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पे वही टेक्निक जो हमने सीखी है वो यूज करेंगे हम, यहाँ से सीधा देखो नाक के अंदर दो उंगलियाँ डालो, बता रहा हूँ घबराओ मत सर, ये आप सीधा पीछे करो गर्दन को और यहाँ मारो, हाय क्लियर, नाक के अंदर उंगली जाएगी तो इसका मुंह ऐसा रहेगा अपोनेंट का, क्लियर। तो एक वेरिएशन ये हो गई, इसी क्रम में दूसरी वेरिएशन, यहाँ से हाथ पकड़ा, इसी क्रम में दूसरी वेरिएशन, यहाँ देखो ये रिप्स जो है बॉडी का सॉफ्ट पार्ट है, दोनों हाथ अपने ऐसे लो और रिप्स पे मारो, जब यहाँ मारेंगे तो सांस चढ़ेगी उनकी, पकड़ लूज होगी, फिर आप ये कर सकते हो जंप करके पूरा हाथ तो छूट जाएगा, इज दैट क्लियर, यस, समझ में आया, यस, समझ में आ रहा है, यस, वेरी गुड। अब आप सबको करना है, यस, तो खड़े हो जाइए फेस टू फेस, आप यही खड़े हो, और आगे